हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। प्रीति तिवारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल मैंने कट किए थे अपने हेयर, मेरे हेयर की लेंथ अभी इतनी ही है। तो कैसे कट किया था उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप भी अगर खुद से अपना हेयर स्टाइल बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कट करना चाहते हैं तो आप वीडियो जाकर चेकअप कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है और बहुत अच्छे से आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा हेयर बिल्कुल बराबर कट हुआ है, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं है, एकदम बराबर कट हुआ था। तो चलिए, आज का टॉपिक है एक क्लचर से बहुत ही कम टाइम में आप कितने हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने अपना पार्लर, न्यू पार्लर ओपन कर लिया है, तो आपको मेरा बैकग्राउंड दिख ही रहा होगा। ये देखिए, पूरा पार्लर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इधर मैंने ये ड्रॉर्स वगैरह भी बना दिया, जो कि बाकी एक्स्ट्रा सामान रहते थे उसके अंदर रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने पार्लर का सामान रखा है। नीचे बहुत सारे ड्रॉर हैं जिसमें कि अपना जो भी सामान होता है कुछ भी बाहर नहीं दिखेगा, सब अच्छे से, बहुत अच्छा लुक आता है पार्लर का इस तरीके से, तो मैंने बनवाया है। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेयर स्टाइल मैं कुछ इस तरीके से करूँगी। आपको सिंपली अपने बालों को इस तरीके से ले लेना है ऊपर की तरफ, और ये एक क्लचर से ही मैं बनाने वाली हूँ, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं करूँगी मैं। तो इस तरीके से मैंने हेयर को ले लिया है। अगर आपको लेयर्स निकालनी है तो आप फर्स्ट पहले ही निकाल लो। ओके, देन बैक से इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट करके ऊपर की तरफ पुल करना है ताकि आपको पफ का लुक मिल जाए, पफ बन जाए हल्का सा। उसके बाद से एक क्लचर लगा देना है। दैट्स इट, आपका फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे आप कोई भी पार्टी वगैरह में जा सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आता है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा। फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा, पफ भी दिख रहा है, काफ़ी वॉल्यूम दिख रहा है बालों में। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। ओनली 9 या 10 सेकेंड्स ही लगते हैं ये हेयर स्टाइल बनाने में। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली इसी तरीके से हेयर को लेना है। सारे हेयर्स को एक साथ ले लेंगे, सारे हेयर्स को एक साथ लेने के बाद से इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके ये नीचे के जो हेयर्स हैं इसको अंदर की तरफ इन कर दीजिए, और यहाँ पे एक बार और ट्विस्ट कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे क्लचर लगा दीजिए। और ये बिल्कुल भी बिगड़ता नहीं, ऐसा नहीं है कि निकल जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। एवरीडे में आप ये सारे हेयर स्टाइल भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थोड़ा थोड़ा बालों को खींच भी सकते हैं ऐसे। ओके, तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको थोड़ा सा हेयर लेना है, ट्विस्ट कर लेना है। ऊपर की तरफ ऐसे लेके आना है ट्विस्टिंग करने के बाद से। ओके, और यहाँ पे आपको क्लचर ऐड करना है जस्ट इसके नीचे, और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। क्लचर को थोड़ा सा ओपन करके ऊपर की तरफ खींच के ऐसे लगा दोगे तो आपका पफ का लुक आ जाएगा। और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया, और ये ऊपर से ऐसे थोड़ा सा बन का लुक क्रिएट करता है, और बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको सिंपली अपने सारे बालों को पकड़ लेना है, अच्छे से कॉम करना है। ट्विस्ट करना है, ट्विस्टिंग करते करते ही बालों को थोड़ा थोड़ा पुल करना है, खींचते जाना है। और एकदम लूज हाथों से इसको इस तरीके से करके जहाँ पे आपके हेयर का एंड पॉइंट आता है वहाँ पे आप क्लचर लगा दो। और ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया, और ये भी एवरीडे में काफ़ी अच्छा लगता है। कहीं जा रहे हो तो भी आप बना सकते हो, सिंपल लुक के लिए काफ़ी बेस्ट है। तो चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ।
तो चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। पांचवे हेयर स्टाइल में आपको सिंपली बीच से आपके हेयर को इस तरीके से ले जाना है, ओके। फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। बस इसको बनाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आप लेयर ले रहे हो तो जैसे ये लाइन बन रही है तो ये स्ट्रेट आनी चाहिए एकदम, ओके। तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग हेयर ले लेके आपको ये हेयर स्टाइल बनाना है, एंड तक लेके जाओगे क्राउन एरिया तक, ओके। उसके बाद से आपको एंड में जब आपका हो जाए कि यहीं तक बनाना है, उसके बाद थोड़ा यहाँ से थोड़े से हेयर पकड़ के इस तरीके से ट्विस्ट करके आगे की तरफ पुल कर दोगे, इससे आपको एक पफ का लुक मिल जाएगा और पफ में आपको डिजाइनिंग मिल जाएगी, ओके। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया, ये छोटे से क्लचर की मदद से। और कट करने के बाद से काफ़ी ज़्यादा हेयर भी अच्छे लग रहे हैं, शॉर्ट हैं बट अच्छे दिख रहे हैं, स्टाइलिश दिख रहे हैं। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल हो गया। तो चलते हैं छठे हेयर स्टाइल की तरफ। छठे हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, अपने सारे बालों को ऊपर की तरफ लेके आना है, ओके। सिंपली इस तरीके से ट्विस्ट करना है और ये जो हमारा बचा हुआ है होल, इसके अंदर ही क्लचर लेके जाना है और इस तरीके से ऐड करके, अगर आपके बाल थोड़े से वॉल्यूम ज़्यादा है बालों में तो आप थोड़ा बड़ा क्लचर यूज कर लीजिएगा, और इस तरीके से बालों से क्लचर को हाइड कर देना है। और ये हमारा छठा हेयर स्टाइल हो गया और बहुत इजी है, बहुत आराम से आप बना लोगे और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है, और ओनली वन क्लचर की मदद से है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट था हमारा, यहाँ पे लेके आई हूँ और इस क्लचर के अंदर ही इन करके आपको इस तरीके से क्लचर लगा देना है, तभी ये हेयर स्टाइल आपका कम्प्लीटली अच्छे से बनेगा। तो ये हमारा छठा हेयर स्टाइल हो गया। तो चलते हैं सातवें हेयर स्टाइल की तरफ। तो सातवें हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, ये वाला हेयर स्टाइल ओपन कर लेते हैं। फिर से आपको अगेन सारे बालों को कॉम करना है। अभी आपको एक रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, रबर बैंड से अपने बालों में एक पोनी बना लेनी है। तो यहाँ पे मैं पोनी बना ले रही हूँ, तो टाइटली एक पोनी मैंने बना लिया है, ओके। पोनी भी काफ़ी अच्छी लग रही है कटिंग होने के बाद से। फिर थोड़े थोड़े बालों को अच्छे से खींच लेना है। खींचने के बाद से आपको सिंपली अपने हेयर को इस तरीके से रखना है, ओके। यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, ऐसे रखना है। ये जो आपका एंड पॉइंट है, इसको अपने हैंड के अंदर इस तरीके से लेके जाना है, ओके। एंड पॉइंट को इस तरीके से लपेट दिया है, क्लचर आपको यहीं पे ऐड कर देना है। आप चाहो तो थोड़ा बड़ा क्लचर का भी यूज कर सकते हो। और ये हमारा सातवां हेयर स्टाइल हो गया, काफ़ी अच्छा लगता है और ओनली वन क्लचर की मदद से काफ़ी प्यारा भी दिख रहा है। आगे से थोड़े थोड़े हेयर खींच सकते हो, बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा, वाओ। तो ये हमारा आठवां हेयर स्टाइल हो गया, ओनली वन क्लचर की मदद से यूनिक न्यू है सारे हेयर स्टाइल, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं नौवीं हेयर स्टाइल की तरफ। नौवीं हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली आपको सारे बालों को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके आना है, यहाँ पे एक क्लचर ऐड कर देना है। क्लचर ऐड करने के बाद से ये बाल आप पीछे की तरफ लेके जाओगे, इस तरीके से फैला दोगे। इसका भी लुक कुछ आठवें हेयर स्टाइल की तरह ही होगा, यहाँ से ट्विस्ट कर लेंगे और ये जो हमने पोनी वाला रबड़ बैंड है इसके अंदर इन कर देना है और इसको ऊपर की तरफ से गिरा देना है, वाओ। तो ये हमारा नौवां हेयर स्टाइल हो गया, है ना, बहुत इजी, वन क्लचर की मदद से यूनिक स्टाइलिस्ट एंड सुपर हेयर स्टाइल है, ओनली 10 सेकंड में आप कर लोगे। तो चलते हैं दसवें हेयर स्टाइल की तरफ। मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, मुझे काफ़ी टाइम से खांसी वासी की प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आवाज़ इस तरीके से निकल रही है। तो चलते हैं दसवें हेयर स्टाइल की तरफ। दसवें हेयर स्टाइल के लिए पहले बालों को ओपन कर लेते हैं। दसवें हेयर स्टाइल में भी आपको सिंपली अपने हाफ हेयर्स को ले लेना है, ओके। हाफ हेयर को लेके क्लचर ऐड कर देना है यहाँ पे, इसको बैक साइड में लेके जाओगे और जो आपका पहले वाला हेयर है
उसके साथ ट्विस्ट कर देंगे, मतलब जो आपने हाफ हेयर लिया था उसके बाद जो हेयर बचा था उसके साथ ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करते हुए फ्रंट साइड से लेके आएंगे और बैक साइड में ले जाके और इस तरीके से उठा के रबड़ बैंड के अंदर इसको इन कर देंगे। ओके, और ये हमारा 10वां हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया ओनली वन क्लचर के मदद से। तो आई होप कि आपको ये सारे यूनिक ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स, वन हेयर स्टाइल ओनली वन छोटू से क्लचर की मदद से आपको अच्छे लगे हो, पसंद आए हो। वीडियो अच्छी लगी हो, हेयर स्टाइल अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि मैं और भी यूनिक अमेजिंग हेयर स्टाइल्स की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।